नमस्कार, स्वागत है आपका जियो न्यूज पे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस के साथ सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जियो न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास मैंने बेल आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों जी हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की बड़ी खबर। गांधी नेहरू परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना मुश्किल होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी की भारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। चौधरी ने राहुल गांधी के कदमों की सराहना करते हुए इसे एक उदार कदम बताया और कहा कि अन्य नेताओं को इसे सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि राहुल गांधी और नेहरू परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति के लिए पार्टी का नेतृत्व करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी परिवार की एक ब्रॉड इक्विटी है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जैसी मजबूत विचारधारा वाली पार्टी जिसकी हर जगह पहुंच हो, वहीं भाजपा के सांप्रदायिक रथ को रोक सकती है। चौधरी ने कहा, क्षेत्रीय दल जैसे काम कर रहे हैं वे आने वाले दिनों में अपना महत्व खो देंगे। उनके महत्व खोने का मतलब है कि देश द्विध्रुवी राजनीति की ओर बढ़ जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि द्विध्रुवी राजनीति की स्थिति उत्पन्न होने से हम दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, इसलिए कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। चौधरी ने आगे कहा कि क्षेत्रीय दलों में वैचारिक प्रेरणा का अभाव है और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को व्यापक समर्थन है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सोनिया गांधी पार्टी की डोर हाथ में नहीं ले सकती थी, लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद संगठन को संकट में देखकर उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। गोरखपुर में 2.60 करोड़ से होगा सूर्यकुंड धाम का जीर्णोद्धार। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे इसका शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की परियोजनाओं के अंतर्गत पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण सूर्यकुंड धाम भी है। इसके सुंदरीकरण का शुभारंभ होने जा रहा है, उसके बाद से इसे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। सूर्यकुंड धाम का सुंदरीकरण 2.60 करोड़ रुपए से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दोपहर सूर्यकुंड धाम में सुंदरीकरण की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की परियोजनाओं के अंतर्गत पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण सूर्यकुंड धाम भी है। इसके सुंदरीकरण का शुभारंभ होने के बाद से इसे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक भी बनाया जाएगा। जिला प्रशासन की कोशिश है कि कुछ और परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ शिलान्यास के कुछ और भी कार्य करा लिए जाएं। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा बीजेपी में हो गए हैं शामिल। मनोज तिवारी ने दिलाई सदस्यता। आप सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पार्टी कार्यालय में कपिल मिश्रा का स्वागत किया। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले ही दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने करावल नगर सीट से विधायक बने कपिल मिश्रा को अयोग्य करार दिया था। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी की महिला इकाई की प्रमुख ऋचा पांडे ने आज बीजेपी की सदस्यता भी ले ली है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दोनों ही नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्याम जाजू और मनोज तिवारी ने पंत मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय में दोनों नेताओं का स्वागत किया। आप नेता को बीजेपी में शामिल कराने के लिए मनोज तिवारी ने कहा, मैं कपिल मिश्रा और ऋचा पांडे का बीजेपी में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलते हुए दिल्ली की सेवा करेंगे। पाकिस्तान के जख्म पर अमेरिका का नमक। आर्थिक मदद से 3100 करोड़ रुपए की कटौती की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में भारी कटौती की है। पाकिस्तान की आर्थिक मदद में 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 3100 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिले झटके के बीच
पाकिस्तान को एक और बहुत ही बड़ा झटका लगा है। पैसे की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने एक और झटका दे दिया है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 3100 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। अमेरिका पाकिस्तान को यह आर्थिक मदद पाकिस्तान इनहेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट PEPA 2010 के तहत देता था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के इमरान खान की अमेरिका यात्रा से 3 हफ्ते पहले ही इस बात की जानकारी पाकिस्तान को दी गई थी। एम्स में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं अरुण जेटली, नीतीश कुमार, पीयूष गोयल और सिंधिया ने जाना हाल। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली 9 अगस्त को एम्स में भर्ती हैं। आज नीतीश कुमार, मायावती समेत कई नेताओं ने एम्स में जाकर अरुण जेटली का हाल जाना। पूर्व वित्त मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की एम्स में स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। आज बिहार के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, बीएसपी अध्यक्ष मायावती, वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एम्स में जाकर अरुण जेटली का हाल जाना। डॉक्टरों की एक जेटली के स्वास्थ्य पर नज़र रखी जा रही है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एम्स के डॉक्टरों को अच्छा कर सकते हैं और वह कर रहे हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एम्स का दौरा किया था। पीएम मोदी बोले, भूटान का पड़ोसी होना हमारा सौभाग्य, मिलकर आगे बढ़ रहे दोनों देश। भूटान में प्रधानमंत्री शेरिंग और पीएम मोदी ने संयुक्त बयान जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में भूटान आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि भूटान हमारा पड़ोसी है और यह सौभाग्य है हमारा, दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भूटान में हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग और पीएम मोदी ने संयुक्त बयान जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में भूटान आना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ये भी कहा कि भूटान हमारा पड़ोसी है और यह हमारा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के पीएम के साथ संयुक्त बयान में कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के दिल में भूटान का विशेष स्थान है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के तुरंत बाद भूटान आया हूँ। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, पूनम यादव समेत 19 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और महिला क्रिकेटर पूनम यादव को इस साल के अर्जुन पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इस साल के अर्जुन पुरस्कारों के लिए 19 एथलीटों को भी चुना गया है। BCCI ने इस साल अर्जुन अवार्ड के लिए 4 क्रिकेटरों के नाम भेजे थे, जिनमें रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और पूनम यादव के नाम शामिल हैं। वहीं पैरा एथलीट दीपा मलिक और रेसर बजरंग पुनिया को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन करने वालों को सम्मान स्वरूप यह अवार्ड दिया जाता है। इसके लिए अलग अलग खेल बोर्ड खिलाड़ियों के नाम खेल मंत्रालय को भेजते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, बोला हमारे पास भी विकल्प हैं। पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हम मानते हैं कि पारंपरिक युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है इस स्थिति में हम भी विकल्प को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की सरहद पार से जारी लगातार नापाक हरकतों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को बड़ी चेतावनी दी थी। कहा था कि भारत हालात के हिसाब से परमाणु हथियारों को लेकर अपनी पॉलिसी बदल सकता है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री और वहां के सेना की ओर से राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने नेहरू के इंडिया को खाक कर दिया। भारत की नीति डोभाल सिद्धांत के इर्द गिर्द घूम रही है। वहीं पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि कल राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था, हम मानते हैं कि पारंपरिक युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है
तो हम भी विकल्प को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आगे ये भी कहा कि कश्मीर एक न्यूक्लियर पॉइंट है, वहाँ दुनिया को भारत के रक्षा मंत्री की ओर से परमाणु हथियार के प्रयोग वाले बयान पर गौर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर लगे बैन पर बोले जॉन इब्राहम, भारत सबसे आगे। डायरेक्टर निखिल आडवाणी है, जॉन ने फिल्म में एसीपी संजीव कुमार यादव की भूमिका निभाई है और उनके काम को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। जॉन ने अब पाकिस्तान में लगे भारतीय फिल्मों के बैन को लेकर अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा कि भारत सबसे पहले है। इसके अलावा इस मामले में सिंगर कैलाश खेर ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि बैन से इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान की दया से हम लोग अपनी मातृभूमि को विकसित करने में सक्षम है। ऐसे में पाकिस्तान का भारतीय फिल्मों पर लगाया गया बैन कोई मायने नहीं रखता है, इससे हमारा कोई